Good morning, everyone. I am Sanjay Kumar Singh from Sagar Institute of Science and Technology, Gandhi Nagar, Bhopal. In lecture number 1 of unit 2, today here we will discuss about fundamentals of heat transfer from extended surfaces, that is fins. Actually, unit number 2 mein हमको दो टॉपिक पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू आरजीपीवी सिलेबस. फर्स्ट टॉपिक है हीट ट्रांसफर फ्रॉम एक्सटेंडेड सरफेसेस एंड सेकंड टॉपिक है ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन. ट्रांजिएंट मींस अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर. तो यहाँ दो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 में. सेकंड यूनिट में दो टॉपिक डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं heat transfer from extended surfaces, that is called fins. So, अपने डे टू डे लाइफ में वेरियस इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस हैं जहाँ की अपना एम होता है कि उन सभी इक्विपमेंट्स को इफेक्टिवली रन कराने के लिए जो इक्विपमेंट्स के सरफेस का जो हीट है उसको सराउंडिंग में डिसिपेट करना, सराउंडिंग में ट्रांसफ़र करना. अगर हम सरफेस की हीट को सराउंडिंग में अगर हम डिसिपेट नहीं करा पा रहे हैं, ट्रांसफ़र नहीं करा पा रहे हैं, तो एक बहुत से इक्विपमेंट है जो कि इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा, रन नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल टू व्हीलर्स में जो सिलेंडर का जो हीट होता है अगर हम उसको सराउंडिंग में ट्रांसफ़र ना करें तो इंजन सीज कर जाएगा, इंजन रन नहीं होगा. इसी तरह से अगर हम फोर व्हीलर की बात करें तो फोर व्हीलर में जो सिलेंडर का जो हीट है अगर हम सराउंडिंग में ट्रांसफ़र ना करें तो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर में अंदर जो हीट जनरेट होता है अगर हम उसको सराउंडिंग में ट्रांसफ़र ना करें तो वो जल जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा. इसी तरह से अगर हम बात करें कंप्यूटर का सीपीयू, अगर उसके अंदर जो हीट जनरेट हो रहा है अगर उसको हम सराउंडिंग में ट्रांसफ़र ना करें तो सीपीयू मदरबोर्ड जल जाएगा. डोमेस्टिक पर्पस में जो हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं वहाँ जो हीट रेफ्रिजरेंट जो हीट ऑब्जर्व करता है अगर वो हीट सराउंडिंग में एयर को डिसिपेट ना करे तो रेफ्रिजरेटर वर्क नहीं कर पाएगा, कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा. इसी तरह से एयर कंडीशनिंग की बात करें तो एयर कंडीशनिंग का रेफ्रिजरेंट जो रूम के अंदर का जो हीट लेता है अगर वो हीट सराउंडिंग में डिसिपेट ना हो, ट्रांसफ़र ना हो, तो एयर कंडीशनिंग वर्क नहीं करेगा. तो ये वेरियस मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है जहाँ की अपना एम होता है कि इनको रन कराने के लिए, प्रॉपरली ऑपरेट फंक्शन कराने के लिए हमको जो इक्विपमेंट्स का जो सरफेस का हीट है इसको सराउंडिंग में डिसिपेट करना, ट्रांसफ़र करना बहुत ही ज़रूरी होता है. तो हम जानते हैं कि जो सरफेस बॉडी के सरफेस पर जो हीट होता है बॉडी के सरफेस को के हीट को हमको सराउंडिंग में ट्रांसफ़र करना है. तो अज्यूम करते हैं कि बॉडी है इसके सरफेस का टेम्परेचर है TS, यहाँ के हीट को सराउंडिंग में हमको ट्रांसफ़र करना है. तो हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम सॉलिड सरफेस टू सराउंडिंग, दिस मोड इज कॉल्ड ए कन्वेक्शन. तो कन्वेक्शन यानी कि सॉलिड सरफेस टू सराउंडिंग में, सॉलिड सरफेस टू फ्लूइड में जो हीट ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ मेनली ड्यू टू कन्वेक्शन. कन्वेक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है कि क्यू इज इक्वल टू HA TS - TA. यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें तो अगर हमको हीट ट्रांसफर रेट अगर बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो या तो हम यानी कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशियंट को बढ़ा दें या तो सरफेस एरिया को हम इंक्रीज कर दें,
या तो टेम्परेचर डिफरेंस टीएस माइनस टीए है, इसको हम इंक्रीज कर दें। तो इसमें से कोई एक पैरामीटर एच ए टीएस माइनस टीए में से किसी एक पैरामीटर को अगर हम इन्हांस करते हैं तो क्यू का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी कि हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा। तो हीट ट्रांसफर अपना एम है, जितने भी इक्विपमेंट्स के भी हम लोग चर्चा किए सभी जगह अपना एम होता है कि जो मैक्सिमम हीट है वो सरफेस से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाए, डिसिपेट हो जाए। तो उसके लिए हमको एच, या तो एच को इंक्रीज कर दें, या तो ए को इंक्रीज कर दें, या टी एस माइनस टी ए, जहाँ टी एस क्या है सरफेस टेम्परेचर, टी ए क्या है सराउंडिंग टेम्परेचर। तो इसके लिए अब हम यहां जब बात करते हैं तो यहां हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ और अकॉर्डिंग टू न्यूटन रिकमेंस लॉ ऑल आर सेम। क्यू इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी ए, वेयर एच इज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, ए इज हीट ट्रांसफर ऑफ सरफेस या सरफेस एरिया। अब यहाँ क्योंकि अब यहाँ हमको बात करनी है कि यहाँ से हम टी एस डिपेंड करता है सरफेस टेम्परेचर पर, जो बॉडी का सरफेस टेम्परेचर है, टी ए एम्बियंट टेम्परेचर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो टी एस यानी कि सरफेस टेम्परेचर एंड सराउंडिंग टेम्परेचर ये डिजाइन पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक एच का सवाल है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, तो डिटेल में हम थर्ड यूनिट कन्वेक्शन में पढ़ेंगे। तो एच को इंक्रीज करना, एच बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है, इसलिए हम कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट एच को इंक्रीज करना या इन्हांस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो सबसे आसान तरीका जो होता है कि हम क्यू क्यू यानी कि हीट ट्रांसफर रेट क्यू को हम इन्हांस अगर हमको करना है तो सबसे आसान तरीका होता है कि हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दें। तो सरफेस एरिया को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ सरफेस एरिया को इंक्रीज करना मतलब सरफेस को एक्सटेंड करना। तो अगर हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाने के लिए अगर हम सरफेस एरिया को एक्सटेंड कर रहे हैं तो दैट एक्सटेंडेड सरफेसेस इज ऑल्सो कॉल्ड फेन्स। तो यहाँ पिछले स्लाइड्स में हम यहाँ बात कर रहे थे, जो देखे थे कि यहाँ जो टू व्हीलर की अगर हम बात करें तो टू व्हीलर के सिलेंडर के चारों तरफ ये पतले पतले प्लेट्स, ये जो प्लेट्स है यानी कि सरफेस एरिया, वह सिलेंडर के चारों तरफ पतले पतले हम प्लेट्स को उसके साथ जोड़ देते हैं जिससे कि सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर जाए। तो हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं जिससे कि सिलेंडर के अंदर का हीट सराउंडिंग एयर में इजीली ट्रांसफ़र हो जाए। इस तरह से अगर टू व्हीलर की बात करें तो टू व्हीलर में वाटर जो है सिलेंडर का हीट लेकर के रेडिएटर में आता है, और रेडिएटर में आने के बाद रेडिएटर में ये हीट, यहाँ फैन लगा होता है, रेडिएटर में बहुत पतले पतले हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ प्लेट्स लगाए हुए होते हैं। तो वाटर का जो हीट है ये प्लेट रिसीव करता है और फैन लगा होता है जिसके थ्रू ये जो हीट है ये सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के चारों तरफ ये जो ट्यूब या पाइप हम देख रहे हैं ये हम यूज़ करते हैं जिससे कि इसका सरफेस एरिया जो होता है बढ़ जाता है, यानी कि एयर का जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इसके कारण से हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो जाता है। तो दिस हम सरफेस को जो एक्सटेंड कर रहे हैं, जो इस एक्सटेंडेड सरफेसेस जो हम देख रहे हैं टू व्हीलर के केस में, फोर व्हीलर के केस में, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के केस में, ट्रांसफार्मर के केस में
सीपीयू के केस में, सीपीयू के केस में यहाँ हम देख रहे हैं कि पतले पतले प्लेट्स हम कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। ये रेफ्रिजरेटर के केस में देख रहे हैं कि पतले पतले प्लेट्स और ये नंबर ऑफ ट्यूब्स हम इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि एयर के कांटेक्ट में जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाए। एयर कंडीशनिंग के केस में देख रहे हैं कि पतले पतले एन नंबर ऑफ प्लेट्स यहाँ हम यूज़ करते हैं, जिससे कि ये एयर का कॉन्टेक्ट एरिया हम इन्हांस कर देते हैं। तो ये जो सरफेस एरिया हम टू व्हीलर, फोर व्हीलर और इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, सीपीयू, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, ये सभी केसेस में देख रहे हैं कि सभी केसेस में हीट ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड सरफेस टू सराउंडिंग में हमको ट्रांसफर करना है, एंड सराउंडिंग में जो फ्लूड है दैट इज एयर। तो एयर है तो इसलिए यहाँ हमको हीट ट्रांसफर करना है फ्रॉम सरफेस टू एयर। इसके लिए हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण से हीट ट्रांसफर रेट इनहांस हो जाता है। तो यहाँ ये देख चुके हैं, अब यहाँ दिस इज द डिफिनेशन ऑफ फिल्म। द सरफेस एरिया ऑन द गैस और एयर साइड मे बी एक्सटेंडेड फॉर ए गिवन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड सराउंडिंग्स, दीज एक्सटेंडेड सरफेसेस आर कॉल्ड फिन्स। सॉलिड सरफेस से सराउंडिंग फ्लूड में एयर को ट्रांसफर करने के लिए जो हम सरफेस एरिया को एक्सटेंड करते हैं, उस एक्सटेंडेड सरफेस एरिया को हम बोलते हैं फिन्स। दिस इज फिन्स। यहाँ से द फिन्स इनहांस द हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम ए सरफेस बाई एक्सपोजिंग लार्जर सरफेस एरिया टू कन्वेक्शन। द फिन्स आर नॉर्मली थिन स्ट्रिप्स ऑफ हाईली कंडक्टिंग मटेरियल सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, एटीसी। तो हम जो फिन्स जिसमें जो यूज करते हैं, मटेरियल का बनाते हैं, तो हायर थर्मल कंडक्टिविटी लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास का हम यूज करते हैं, जिससे कि थर्मल कंडक्टिविटी जितना ज़्यादा होगा उतना सॉलिड सरफेस हीट ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा और वो हीट सराउंडिंग में ट्रांसफर हो पाएगा। टाइप्स ऑफ फिन। टाइप्स ऑफ फिन, फिन को हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिजाइन कंसिडरेशन और मैन्युफैक्चरिंग इन फॉर्म्स ऑफ द फिन्स आर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन मेनी शेप्स एंड फॉर्म्स, सम ऑफ देम आर शोन बिलो। फिन को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, जैसे ये इसको बोलते हैं स्ट्रेट फिन ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, सेकेंड स्ट्रेट फिन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यहाँ क्रॉस सेक्शन जो है ट्रेंगुलर शेप में है। इसके बाद से इस टाइप के फिन को बोलते हैं एनुलर फिन, इस टाइप के फिन को बोलते हैं हम पिन फिन। तो अकॉर्डिंग टू डिजाइन कंसिडरेशन हम फिन को इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। नाउ जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये ध्यान देने वाली बात है कि जनरली द फिन आर यूज ऑन द सर्फेसेस वेयर द हीट ट्रांसफर कोफिशियंट इज वेरी लो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि हम ये तो देख लिए कि सरफेस एरिया को इन्हांस करने से हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो जा रहा है, लेकिन हम जो सरफेस एरिया को इन्हांस करते हैं तो हम बॉडी के सरफेस एरिया को उस साइड में इन्हांस करते हैं जिस साइड में जो फ्लूड है उसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट वेरी लो हो। जैसे एयर कूलिंग हम फिन्स का यूज मेनली करते हैं एयर कूल्ड सिस्टम में, क्योंकि एयर का कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट बहुत कम होता है, इसलिए सरफेस एरिया इंक्रीज करना एयर के केस में बहुत ही इफेक्टिव होता है। या फॉर एग्जाम्पल इन ए कार द आउटर सरफेस ऑफ ट्यूब्स इज फिन्ड बिकॉज
The heat transfer coefficient of air at the outer surface is much smaller than that of water flow inside the tube. फोर व्हीलर की अगर हम बात करें तो फोर व्हीलर में ट्यूब के अंदर ट्यूब रेडिएटर में ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड फ्लो होता है दैट इज वाटर, ट्यूब के आउटसाइड जो फ्लूइड होता है दैट इज एयर. तो एयर का जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. इसलिए हम जो फिन्स यूज करते हैं, जो सरफेस को एक्सटेंड करते हैं, वो एयर साइड में करते हैं न कि वाटर साइड में करते हैं. तो ये फंडामेंटल्स ऑफ फिन्स ये हमको जानना चाहिए कि फिन्स क्या होता है, फिन्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, फिन्स कहाँ हम यूज कर सकते हैं, हाई वैसे फ्रूट साइड में कर सकते हैं क्या जहाँ की कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट ज़्यादा है, या उस साइड में हम प्रेफर करेंगे जिस फ्रूट का कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट कम है. तो इतने बेसिक चीज़ें हमको फिन्स के बारे में, एक्सटेंडेड सरफेसेस के बारे में जानना है. अब अगले क्लास से, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फिन कितना हीट ट्रांसफर, फिन के थ्रू कितना हीट ट्रांसफर हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, फिन की एफिशिएंसी क्या होती है, उसके रिलेशन क्या होते हैं, फिन का इफेक्टिवनेस क्या होता है, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे.